जी हाँ, इंडस्ट्री के सबसे फिटनेस वर्सेटाइल और जमीन से जुड़े कलाकार का जिनका खान पान ही नहीं रहन सहन भी बिल्कुल देसी है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार, 3 नेशनल अवार्ड से सम्मानित, 6 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजे गए, पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड, साथ ही साथ थैंक यू सर 2019 में फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्मश्री सिनेमा मनोज वाजपेयी आज हमारे बीच में हैं। और एक बार फिर से मनोज जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, इससे ज्यादा जानने के लिए बने रहिए और देखिए एक छोटा सा सफरनामा मनोज वाजपेयी का। साथ ही आपको बताऊं कि हाल ही में मनोज जी की प्रोड्यूस की हुई फिल्म भैया जी का टीजर भी लॉन्च हुआ है, तो आइए आपको अब उसकी भी झलक दिखाते हैं। ओटीटी का किंग कौन? मनोज वाजपेयी। एक्टिंग का सरदार कौन? मनोज वाजपेयी। रोल कैसा भी हो, सिर्फ एक बंदा ही काफी है। चाहे सत्या का डॉन भीखू म्हात्रे हो या फिल्म शूल में सिस्टम से जूझने वाला पुलिस अफसर, पिंजर में अपने अपराध बोध की चादर ओढ़े रशीद हो या फिर अलीगढ़ फिल्म का प्रोफेसर, फैमिली मैन का जासूस श्रीकांत तिवारी हो या फिर कोर्ट में रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने वाला वकील पीसी सोलंकी, हर एक रोल को मनोज वाजपेयी ने इस अंदाज में निभाया कि वो किरदार दर्शकों के दिलो दिमाग पर काबिज हो गया। मनोज वाजपेयी ने अपनी पहली बड़ी फिल्म सत्या में ऐलान कर दिया था कि अगर उन्हें फिल्म में लीड रोल ना मिले तो अपनी एक्टिंग से ऐसी लकीर खींच दो कि फिल्म हीरो या हीरोइन की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से याद रखी जाए। और सचमुच हुआ भी ऐसा। सत्या फिल्म देखकर जब दर्शक हॉल से बाहर निकले तो लोगों पर भीखू म्हात्रे का जादू चल चुका था। मूवी का कोई और किरदार किसी को याद ही नहीं रहा। बॉलीवुड में एक्टर और स्टार तो बहुत हुए, लेकिन मनोज वाजपेयी जैसे गिने चुने ही हुए जिन्होंने स्टारडम भी हासिल की और अपनी एक्टिंग से सिनेमा की दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ दी। बिहार के बेलवा गांव में जन्मे मनोज वाजपेयी का फिल्मों से नाता नामकरण से ही जुड़ गया था। 60 के दशक के मशहूर अभिनेता मनोज कुमार से प्रभावित होकर पिता ने मनोज नाम रख दिया। फिल्मी नाम ने जल्द ही असर दिखाना भी शुरू कर दिया। मनोज वाजपेयी ने 9 साल की उम्र में ही ठान लिया था कि उन्हें फिल्मों में हीरो बनना है। अमिताभ बच्चन की फिल्में देखते देखते मन में हीरो बनने का ख्वाब बुनने लगा। सिनेमा के पर्दे पर खुद को देखने की चाहत के लिए मनोज वाजपेयी दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन अभिनय की दुनिया के इस बेताज बादशाह को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NSD में एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार दाखिला लेने में नाकामी हाथ लगी। इसी दौरान बैरी जॉन के एक्टिंग स्कूल से जुड़कर मनोज वाजपेयी अभिनय की बारीकियां सीखते रहे। चौथी बार NSD पहुंचे तो एक्टिंग सिखाने की जिम्मेदारी मिल गई। मनोज ने कुछ दिन बाद मायानगरी मुंबई का रुख किया। वहां फिल्मों में काम पाने के लिए काफी धक्के खाने पड़े। चौल के एक कमरे में 5 लोगों के साथ रहते थे, कई स्टूडियो के चक्कर काटे, काम मांगने गए तो लोग बोले तुम्हारा चेहरा हीरो के लिए फिट नहीं है। एक बार तो फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर ने वोटों तक फाड़ दी थी, पर मनोज ने हिम्मत नहीं हारी। 4 साल के स्ट्रगल के बाद शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन में डाकू मान सिंह का रोल मिला। स्वाभिमान सीरियल में 1500 रुपए रोजाना पर काम किया। इसी दौरान द्रोहकार, तमन्ना और दौड़ जैसी फिल्मों में भी छोटे लेकिन यादगार किरदार किए। लेकिन राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या से जो सफर शुरू हुआ वो एक माइलस्टोन था। मनोज वाजपेयी ने कौन, जुबैदा, अक्स, पिंजर, वीर जारा, राजनीति, स्पेशल 26, नाम शबाना, गैंग्स ऑफ वासेपुर और अलीगढ़ फिल्मों में अपनी बेमिसाल छाप छोड़ी। बॉलीवुड में मनोज को करीब 27 साल हो चुके हैं और वो दिनों दिन और निखरते ही जा रहे हैं। 2019 में जासूसी थ्रिलर सीरीज द फैमिली मैन से मनोज वाजपेयी ने OTT पर डेब्यू किया। इस सीरीज में मनोज वाजपेयी लोगों को इतने पसंद आए कि बेसब्री से फैमिली मैन 3 का इंतजार हो रहा है। सिर्फ एक बंदा काफी है। किलर सू, गुलमोहर और कई अन्य शो के जरिए आज मनोज ये साबित कर चुके हैं कि वो OTT के सबसे भरोसेमंद स्टार हैं और साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म के किंग हैं।
मनोज वाजपेयी अपने यादगार किरदारों के जरिए सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि एक्टिंग के चलते फिरते इंस्टीट्यूट बन चुके हैं। तो इस बात पर इतना ही कहना चाहेंगे, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए हो तो इस सुबह की औकात बनेगी। तो सर, विद योर परमिशन एंड मैम योर परमिशन, अब हम अपने कन्वोकेशन सेरेमनी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मैं गुजारिश करूंगी अनुराधा प्रसाद मैम से कि वो साइटेशन पढ़ें। पढ़ूं क्या?